नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं और प्रशासन जो है जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों पर संज्ञान लेकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र की। यहाँ पर इन दिनों जनता द्वारा जागरूक होकर कई प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अभी हम 23 जुलाई की बात करते हैं। 23 जुलाई को सायरा ब्लॉक की पानेर ग्राम पंचायत के खरवड़ों का गुड़ा गांव के लोगों ने एक मुद्दा उठाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं खरवड़ों का गुड़ा के लोग गांव के स्कूल में पहुंचे। दरअसल हम बताते हैं कि खरवड़ों का गुड़ा में एक स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। ये प्राइमरी स्कूल जो है 10 साल पहले बंद हो गया था। कारण बताया गया था कि यहाँ पर नामांकन कम है और इस स्कूल को मर्ज कर दिया गया पास के ही थोब गांव के प्राथमिक विद्यालय में। तब से ये विद्यालय भवन बंद पड़ा हुआ है। इसके अंदर कमरे हैं, बरामदा है, इसका पूरा परिसर है और इसके चार दीवारी है और आगे बड़ा सा गेट लगा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस विद्यालय भवन पर गांव के ही पंसिंह राजपूत ने अवैध कब्जा कर लिया। तो लोग कई दिनों से इस अवैध कब्जे को देख रहे थे। 23 जुलाई को एकजुट होकर लोग इस स्कूल में पहुंचे और उन्होंने ये तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। साथ ही में सायरा तहसीलदार, थानाधिकारी और सीबीओ को पत्र भेजकर उन्होंने इस स्कूल को खाली करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने जो ये वीडियो शेयर किया है, ये भेजा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अति गर्मी ने स्कूल के एक कमरे में चारा भर दिया था। एक कमरे में वो खुद रह रहा था, उसने अपने बिस्तर रख रखे थे, सामान रख रखा था। साथ ही स्कूल के बरामदे में उसने अपने मवेशी बांध रखे थे। एक कमरे के बाहर जो बरामदा है उसमें आप देख सकते हैं कि ये गाय बंधी हुई है। वहीं दूसरे बरामदे में जो है भैंसें बंधी हुई है, उनको चारा भी वहीं डाला जा रहा है और गायों का गोबर, भैंस का गोबर वहां पर फैला हुआ था। कुल मिलाकर वहां पर भारी गंदगी भी हो रखी थी। यही नहीं, अति गर्मी ने वहां पर लकड़ियों के ढेर भी कर रखे थे स्कूल परिसर में। साथ ही गोबर की रोड़ियां भी बना दी थी, यानी मवेशियों का जो गोबर है उसको उठा उठा कर एक ढेर भी वहां पर बना रखा था। तो गांव के कई लोग इस दृश्य को कई समय से देख रहे थे और फाइनली लोगों ने सोचा कि ये संपत्ति गांव की है। उन्होंने मुद्दा उठाया इस स्कूल परिसर को खाली करने का। ग्रामीणों द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद सायरा ब्लॉक के एसीबीओ कृष्णा अवतार सैनी ने पानेर के पीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के तुरंत बाद पानेर के पीईओ ने कार्रवाई करते हुए सरपंच के सहयोग से स्कूल परिसर को खाली करवाया, कमरों में, बरामदे में जो अतिक्रमण कर रखा था उसको हटवाया। तो इस प्रकार से ये स्कूल भवन जो है पूरा अतिक्रमण से मुक्त हुआ और ये ग्रामीणों की जागरूकता के कारण हुआ। ग्रामीणों ने मुद्दा उठाया और उसी दिन जो है अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटवा दिया। तो इस तरीके से स्कूल जो है अतिक्रमण से मुक्त हुआ। अब यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि इस स्कूल को पुनः शुरू करवाया जाए। इसके लिए उन्होंने पत्र भी दिए हैं, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने स्कूल को पुनः शुरू करवाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि वो इसे शुरू करवाएं या ना करवाएं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है 24 जुलाई की। रावलिया खुर्द ग्राम पंचायत के जो सरपंच है हीरालाल गमेती, उनके नेतृत्व में लगभग एक दर्जन लोग गोगुंदा पहुंचे और एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि उनके गांव के सड़क को ठीक किया जाए। उन्होंने बताया कि रावलिया खुर्द बस स्टैंड से नांदेसमा की ओर जाने वाली सड़क बहुत खराब है। बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर आगे तक सड़क की दुर्दशा है। सड़क का स्तर नीचे होने के कारण वहां पर पानी भर जाता है और वहां पे भारी कीचड़ हो रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, उनसे शिकायत की गई, तो उसके बाद वहां पर मोहरम, जिसे कहते हैं, जो लाल मिट्टी होती है स्थानीय, उस लाल मिट्टी को लाकर यहाँ पर डलवाया गया। लाल मिट्टी डलवाने के बाद जब बारिश हुई तो वहां पर भारी कीचड़ हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह का रोड हो गया, यहाँ से पैदल आना जाना भी मुश्किल हो गया। दुपहिया वाहन चालक तो सैकड़ों यहाँ पर गिर गए। ऐसे में ग्रामीणों की समस्या जायज थी और उन्होंने बार बार इस बारे में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो
रही थी। बारिश के दिन है, इस तरह की सड़क है, तो लोगों का आक्रोशित होना जायज था। ऐसे में लोग गोगुंदा पहुंचे और उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम को उन्होंने तस्वीरें भी बताई, तो इन तस्वीरों को देखकर इनकी गंभीरता को डॉक्टर सोनी ने समझा और उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी के AEN रमेश सियोरेन को कॉल किया और उनको पूछा कि आपने इस सड़क की स्थिति को देखा है क्या। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि वहां पे मिट्टी भी डाली, उसको ठीक करने का कोशिश किया, लेकिन सोनी ने वापस से पूछा कि क्या आप वहां पे गए कि नहीं गए, उस सड़क की वर्तमान की स्थिति क्या है, इस बारे में पता है या नहीं है। तो वो अपना जो भी आर्ग्यूमेंट थे वो आपस में कर रहे थे, तभी डॉक्टर सोनी ने AEN को वहां की जो तस्वीरें थी जो ग्रामीणों के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी, उन तस्वीरों को रमेश सोरेन को भेजा, कहा कि अगर 3 दिन के अंदर इस सड़क को ठीक नहीं किया गया तो वो विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता की सुनवाई सुनिश्चित करनी होगी, जनता को इस तरह की अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को जो है बिल्कुल तत्परता से काम करना चाहिए। तो उनके इस निर्देश का असर हुआ, रमेश सोरेन चूंकि उदयपुर थे, उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी के गोगुंदा JEN विष्णु प्रजापत को कॉल किया और उनको मौके पर भेजा। विष्णु प्रजापत मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर 3 डंपर WPM के डलवाए। विष्णु प्रजापत ने बताया कि 24 जुलाई को शाम तक रावलिया खुर्द की इस सड़क पर 3 डंपर WBM के डलवाए जा चुके हैं। WBM मतलब गिट्टी और मिट्टी का एक मिश्रण जो ठोस होता है और उसको बिछाने के बाद जो है वहां कीचड़ नहीं होता है। तो 3 ट्रिप तो वहां पे डलवा के बिछवाए हैं, थोड़ा सा लोगों को राहत मिली है। वहीं विष्णु प्रजापत ने बताया कि वो जो है आगामी 2 दिन में इस सड़क को पूरा ठीक करवा देंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ का मुद्दा उठाया और प्रशासन ने हाथों हाथ उनका निस्तारण करवाया। तो यही जरूरत है, जहां कहीं भी आपके आसपास भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, तो उनके खिलाफ आप आवाज उठाएं और प्रशासन को अवगत कराएं। और प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह की जहां कहीं जन समस्याएं हैं तो उनका त्वरित निस्तारण इस तरह से करें। कैसा लगा ये वीडियो, लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।